हे गाइस, तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही झटपट सी रेसिपी। इसके लिए हमें लेना है 2 कप भीगी हुई मूंग दाल और इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, जितना आपको पसंद हो उसके अकॉर्डिंग ऐड करें। 1 छोटा चम्मच हल्दी, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट और करीब 2 से 3 बड़े चम्मच पानी हम इसमें ऐड करके इसको एकदम बढ़िया स्मूथ हम इसका पेस्ट जैसा बना लेंगे। तो इस तरीके से दाल पीसने से क्या होगा कि इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाता है। आपको अलग अलग सारी चीज़ें पीसने की ज़रूरत नहीं है और इस तरह से अगर आप दाल को पीसते हैं तो जो हमारे वड़ा हैं, पकौड़े हैं, वो बहुत ही फ्लफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। तो मैं सिर्फ इसमें ऐड करूँ हरी धनिया, अगर आप चाहें तो इसमें बारीक कटी हुई प्याज भी ऐड कर सकते हैं। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 2 चुटकी हींग। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब वड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए तेल। तो तेल आप अच्छे से गरम कर ले, उसके बाद अपने हाथों की मदद से या फिर किसी चम्मच की मदद से, जैसे मैं बना रही हूँ, इस तरीके से आप तेल के अंदर डालते जाइए और इसको दोनों तरफ से बढ़िया गोल्डन कर लीजिए, क्रिस्प कर लीजिए। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिए और बढ़िया आपके वड़ा बनकर तैयार है। आप इसको बारिश के मौसम में चाय कॉफ़ी के साथ या फिर अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही बढ़िया हेल्दी ऑप्शन है हमारे ब्रेकफास्ट के लिए भी। यहाँ पर मैंने इसको तेल में फ्राई किया, आप चाहें तो इसको कम तेल में शैलो फ्राई कर सकते हैं या फिर आप इसको पैन पे चिल्ला जैसे भी बना सकते हैं। तो गाइज़, अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा।